स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्टूटी में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो आपको ये समझिएगा, जियोथर्मल का मतलब होता है ज़मीन के नीचे। बेसिकली आपने काफ़ी बार इस तरह के डायग्राम देखे होंगे धरती का, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, इसको निकालने को हम लोग जियोथर्मल कहते हैं। तो आपको ये समझ में, यहाँ गर्मी कैसे आ रही है? ये सोलर नहीं है, सूर्य इसको गर्म नहीं कर रहा है, सूरज से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब धरती बन रहा था, जब धरती नया था, जब सन के पास एक्रीशन डिस्क होता था, डिस्क मतलब समझिए धूल गर्दा होता था, मतलब उस प्लानिटरी लेवल का धूल गर्दा, ऐसा नहीं कि मतलब धुआं, तो वो धूल गर्दे जब जैसे जैसे कोलैप्स करते गए ग्रेविटी के चलते, तो उसमें काफ़ी एनर्जी ट्रैप हो गई क्योंकि वो कोलैप्स कर रहे हैं, एक जगह दूसरे से भिड़ रहे हैं। और काफ़ी बार आपने सुना होगा लेट बम्बार्टमेंट पीरियड, जिसमें खूब सारे एस्ट्रॉयड गिरे, तो वो सब भी काफ़ी एनर्जी धरती के क्रस्ट कोर, मतलब पूरे धरती में ओवरऑल डाल दी एनर्जी, उसका समझिए बहुत तापमान बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हुआ ये कि एक तो ग्रेविटी के चलते ये ऐसे ही दर रहा है, ऐसे ही कंप्रेशन में है, तो ठंडा तो ऐसा हो नहीं पा रहा कंप्रेशन एनर्जी के चलते। दूसरा, जब ये स्पेस में घूम रहा है तो प्रॉब्लम है कि स्पेस एक इंसुलेटर है, स्पेस में क्योंकि वैक्यूम है, तो वैक्यूम तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। तभी आप देखते होंगे वैक्यूम फ्लास्क में हम लोग मतलब चाय या पानी रखते हैं, तो इंसुलेशन होने के चलते ये ठंडा नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में। ऐसा नहीं कभी नहीं होगा, लेकिन बहुत 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 लंबा टाइम लगेगा ठंडा होने में। दूसरा, इसके अंदर काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं। आप कहोगे धरती में तो उतना रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है, नहीं तो हम लोग चले जाते हैं, वो यहाँ पे है इसलिए आप जिंदा हैं। और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह चल रहा है वो, लेकिन रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। डिके होने का मतलब यह है कि समझिए कि थोड़ा धीरे धीरे वो अपना फोटॉन्स निकालते जा रहा है। फोटॉन्स वो यहाँ पे मान लीजिए गामा रेडिएशन में निकला, धीरे धीरे वो गामा से नीचे उतरते गया, एक्सरे पे उतरा, एक्सरे से उतरते उतरते अल्ट्रावायलेट में उतरा, अल्ट्रावायलेट से उतरते उतरते बहुत कम हो जाता है। तो धीरे उसके चलते ये दो जगह से इसमें ऊर्जा आती है। तो आपने कई बार सुना होगा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एनर्जी सूर्य के नहीं है और कहाँ से आई है। और आप इसको जानते हैं, अंदर से आपको पता है, हॉट स्प्रिंग्स हम लोग कहते हैं, जो गर्म तालाब आप सुनते होंगे कहीं कहीं जगह पे, कहीं कहीं गांव में है, अरे यहाँ एक गर्म तालाब है, कुछ भी हो जाए वो पानी हमेशा गर्म रहता है, वो यही है। तो हम लोग इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो आप पहले ये समझिए कि इसका एनवायरनमेंट पे नुकसान जो है वो काफ़ी कम होता है। जैसे आप कोयला जलाते हैं तो एक मेगावाट के लिए मान लीजिए आप एक टन CO2 डाल दिए, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड आप डाल दिए हवा में, तो अच्छी बात तो नहीं है। मतलब भले आपको एनवायरनमेंट से कोई लेना है, लेकिन उतना आप डालते जाएंगे तो उससे प्रदूषण भी तो बढ़ता जा रहा है, आप सांस नहीं ले पाओगे, आपका पैसा का क्या होगा। तो ये काफ़ी कम देता है। और आप बोलोगे ये देता ही क्यों है, जब मतलब धरती से ही गर्म पानी निकाल रहे हैं तो देता क्यों है? बात है कि धरती में बहुत सारे गैसेस फंसे हुए हैं, जैसे आपका नेचुरल गैस आप सुनते होंगे कि ज़मीन से निकाला जा रहा है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी फंसा रहता है, उसी तरह से मीथेन भी फंसा रहा है, बहुत सारे गैसेस फंसे रहते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई पावर प्लांट बनाया जाता है तो वो उसको मतलब एक रास्ता दे देता है कि लीक करने लगता है। तो पर मेगावाट ये बहुत कम लीक करता है, मतलब अगर कोयला से एक मेगावाट के लिए एक टन निकल रहा है CO2, तो ये बेयरली एक किलो देगा, तो बहुत कम है, लेकिन है, जीरो नहीं है। ये सोलर पैनल जैसा नहीं है कि एकदम सीधा कोई इंपैक्ट नहीं है, और मीथेन भी निकलता है और आर्सेनिक भी निकलता है, मरकरी भी निकलता है, तो वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और ये हम लोग का बहुत पुराना टेक्नोलॉजी, एंशियंट टेक्नोलॉजी है, मतलब जो सबसे वेल स्टैब्लिश सबसे पुराना हॉट स्प्रिंग है वो 300 BC का है, तो आप समझ लीजिए बहुत पुरानी चीज़ है, उसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है। और इसका अगर आप इस पर पावर प्लांट बनाते हैं तो सबसे बड़ा खासियत इसका ये है कि ये बेस लोड दे सकता है। बेस लोड का ये मतलब होता है कि ये अगर बोल दिया कि 600 मेगावाट का प्लांट बनाया गया है तो ये 600 मेगावाट देता रहेगा, सुबह शाम दिन रात 24 घंटा वो देता ही रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये तो मतलब डैम से भी आगे चला जाता है, क्योंकि डैम में भी मान लीजिए बारिश नहीं हुआ एक दो साल से तो रिजर्वायर सूखने लगता है, तो पानी पावर कम कर देना पड़ता है, इसमें वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम इसमें इतना इंटरेस्टेड हैं। तो ये काम कैसे करता है, आपको इसका ये समझिए कि पहले ये बहुत लोकेशन स्पेसिफिक है, मतलब कहाँ पे आप बना सकते हैं, हर जगह नहीं बना सकते। अगर हर जगह बनाना है तो आपको ड्रिल करने की एबिलिटी होनी चाहिए 20 या 30 किलोमीटर नीचे तक जाने का, जो हमारे पास अभी नहीं है। तो आप लोकेशन पहले चूज़ करते हैं, पहले वहाँ कोई हॉट स्प्रिंग होगा या वॉल्केनो होगा या कुछ टेक्टोनिक जिसको प्लेट्स का जॉइंट का जैसे आप लोग फॉल्ट लाइन कहते हैं, वहाँ पे आपको खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे मतलब मैग्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो पहले आप लोकेशन खोजिए, लोकेशन खोजने के बाद आप उसमें ड्रिलिंग कीजिए, तो ड्रिलिंग करने के बाद आपको उसके बाद पानी की व्यवस्था कीजिए। और जनरली क्या किया जाता है कि एक पाइप से पानी को अंदर डाला जा रहा है, सीधा सीधा पानी अंदर डाल रहे हैं, दूसरे पाइप से भाप को निकाल रहे हैं, तो इससे ये होता है कि ये एक तरह का ओपन सर्किट है।
तो ओपन सर्किट होने से थोड़े फायदे भी हैं, थोड़े नुकसान भी हैं, ऑब्वियसली हर चीज़ में फायदा नुकसान होता है। तो ये पावर प्लांट जो है काम करता है उस स्टीम से। तो पावर आउटपुट कैसा है, आप ठीक है, आप ये समझ गए कि दिन रात सुबह शाम बारिश गर्मी सब में बिजली दे रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है, कई साल तक चलेगा, कई सदियां तक चल सकता है, तो इसका पावर आउटपुट कैसा है, मतलब कैसी ऊर्जा ये आपको देता है, ये यहाँ पे थोड़ा ढीला हो गया। तो मैं तीन बड़े कंट्री का बता रहा हूँ आपको, USA, फिलीपींस और आइसलैंड। USA के पास सबसे बड़ा प्लांट है, लेकिन आप हर बार नहीं सुनेंगे USA का नाम, वो इसलिए कि USA का जो ओवरऑल, जैसे मान लीजिए वो 100 वाट खा रहा है, तो उस 100 वाट में से एक वाट भी वो जियोथर्मल से नहीं ले रहा, उसका पावर प्लांट सबसे बड़ा है जो 900 वाट का ऑलमोस्ट कंटिन्यूस देता है, वो 1600 वाट तक का रेटेड है लेकिन 900 वाट देता रहता है, और द ग्रेशियर्स उसका नाम है USA में जो है, लेकिन वो बहुत छोटा परसेंटेज है, मतलब USA इतना बिजली खाता है कि ये परसेंटेज कुछ है ही नहीं, 1% भी नहीं है। फिलीपींस में लोग बात इसलिए करते हैं कि फिलीपींस लगभग 17% अपने पूरे देश का 17% बिजली जियोथर्मल से लेता है, क्योंकि उसका किस्मत थोड़ा अच्छा बन गया था। मैंने आपको बताया था कि ये सब एरिया डिपेंडेंट है, आपके एरिया में है कि नहीं ये कुदरत डिसाइड करता है, आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो फिलीपींस का जो मतलब इंडोनेशिया, फिलीपींस काफ़ी जगह पे है, तो इंडोनेशिया में सबसे सेकंड का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो 225 मेगावाट है। आप लोग अगर मेरा सोलर वीडियो देखे होंगे तो याद होगा उसमें कि मैंने बताया था कि अभी जो हम लोग प्लांट बना रहे हैं उसमें तो 800 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 20000 मेगावाट तक का प्लांट के बारे में काम चल रहा है, तो ये बहुत पावरफुल नहीं है। तो हम लोग भविष्य में क्या करने वाले हैं इसके साथ, तो भविष्य में सबसे पहला टारगेट है इसका इमिशन घटाइए। जैसे अगर वो मीथेन लीक कर रहा है, जिसको आप लोग नेचुरल गैस कहते हैं, तो उसको जला देना चाहिए, क्योंकि मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस है वो बहुत खतरनाक है, वो मतलब CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बच्चा की तरह बिहेव करेगा उसके सामने। मतलब मीथेन आपकी बहुत गर्मी को रोक सकता है और CO2 थोड़ा ही गर्मी रोक पाएगा, तो मीथेन को जला देने से आपको CO2 मिल जाता है जो कि कम नुकसान करेगा, तो मीथेन जला दें। फिर आर्सेनिक, मरकरी, आप तो सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा डीप ड्रिल करने में प्रॉब्लम होता है कि वहाँ के पानी में मिक्स हो जाता है आर्सेनिक, मरकरी, ये सब, तो वो सबको हटाने का भी व्यवस्था करना है ताकि वो एटमॉस्फेयर में ना डाल दें, ना ही वो पानी जो डाल रहे हैं वो कहीं किसी के पीने के पानी में, स्रोते में लीक ना कर जाए, वो सब का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और अर्थक्वेक के बारे में हम लोग को रिसेंटली आइसलैंड काफ़ी कोशिश कर रहा था जियोथर्मल को एक्सपेंड करने का, एक टेस्टिंग की गई, उससे अर्थक्वेक आने लगा। बहुत भारी अर्थक्वेक नहीं था, मतलब रिक्टर स्केल पे सिर्फ 3 का था, लेकिन मतलब होने लगा, इसलिए प्लांट को रोक दिया गया। तो हम लोग को इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए कि अर्थक्वेक कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, ताकि मतलब ऐसा नहीं है कि आप बनाएंगे तो मतलब पूरा धरती फाड़ देने वाला अर्थक्वेक होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा आने लगता है, तो जनरली कोई नहीं चाहेगा वैसा चीज़, तो इसलिए से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इसका दुविधा, आप समझिए दिक्कत जो है, वो इसलिए है कि इसकी इफ़िशेंसी, मतलब ये कितना परसेंट जो गर्मी निकल रहा है उसको कितने में कन्वर्ट कर रहा है, ये बहुत कम है। ये कम, इतना कम है कि मतलब 100 वाट अगर मान लीजिए कि गर्मी आ रही है, तो आप टोटल 100 वाट को किसी तरह आप 15 वाट उससे निकाल पा रहे हैं, किसी तरह। मतलब एक दो प्लांट पे कोशिश की जा रही है कि 20 वाट तक छू पाएँ, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि जैसे 100 करोड़ आप लगा दिए तो वो 100 करोड़ आपको वापस बिजली बेच के कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये इफ़िशेंसी के चलते हैं, आपने सेटअप बनाया, आप बिजली बेच के आपको जल्दी बेचना है कि अगर जल्दी नहीं बेचेंगे तो प्लांट ख़राब होगा, मतलब प्लांट में चीज़ है, चल रहा है, कुछ साल बाद तो आपको बदलना ही पड़ेगा सामान, उसमें आपको कितने सारे स्टाफ रखने होंगे, आपको मतलब आपको इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसके हिसाब से आपका पैसा बढ़ना चाहिए, घटेगा तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो इस कारण से इफ़िशेंसी बढ़ाना अभी इसका काफ़ी ज़रूरी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जियो थर्मल पावर के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर वैसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, डिसलाइक कर भी सकते हैं, और आप कमेंट लिख लीजिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे साइंस थर्सडे के में। मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, क्योंकि मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।